नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी। नमस्कार दीदी। दीदी दीदी, आज हम आपका पहले से ही इंतजार कर रहे थे कहानी सुनने के लिए। आज आप हमें किसकी कहानी सुनाएंगी? कोई मुगल महाराज या फिर कोई अकलमंद इंसान की? रुक जाओ, इतने उतावले भी ना हो कहानी सुनने के लिए। आज मैं आपको भारत की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की सरकार के विरुद्ध डट कर खड़े होने वाले एक महापुरुष की कहानी सुनाऊंगी। महापुरुष की यानी भगत सिंह की या महात्मा गांधी जी की? उन सब की कहानियां भी मैं जरूर सुनाऊंगी तुम्हें बच्चों, परंतु आज की कहानी है शूरवीर लाला लाजपत राय जी की। लाला लाजपत राय जी, ये तो पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते थे ना? हाँ, वही लाला जी। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ इन देशभक्तों की त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी और पूरा देश इनके साथ पूर्ण स्वराज की लड़ाई में शामिल हुआ था। अरे वाह, लाला लाजपत राय जी तो बड़े ही दूरदर्शी और साहसी मालूम होते हैं। बिल्कुल सही पहचाना। दीदी, लाला जी क्या बचपन से ही इतने साहसी थे? इनके बारे में और बताइए ना। तो सुनो, लाला लाजपत राय जी का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। बचपन से ही उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने का जज्बा था, इसलिए आगे चलकर वे वकालत के स्टूडेंट बने और ग्रेजुएट होने के बाद कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत भी की। उसके बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता भी बने। इन्होंने आर्य समाज के रचयिता स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को भी पंजाब में लोकप्रिय बनाया। साथ ही दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का प्रसार किया, लोग जिन्हें आजकल डीएवी स्कूल्स व कॉलेज के नाम से जानते हैं। ओ अच्छा, दीदी मेरे भैया भी डीएवी स्कूल में पढ़ते हैं, आज मैं उनको जाके रोचक तथ्य बताऊंगा। अच्छा, आगे जानना चाहोगे क्या हुआ? हाँ हाँ दीदी। तो धीरे धीरे भारतीय जनता पर अंग्रेजों की बनाई नीतियों से होने वाला अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हद तो तब हो गई जब ब्रिटिश राज ने एक कमीशन बनाई भारत के नेतृत्व के लिए, परंतु जानते हो उसमें सिर्फ 7 ब्रिटिश लोग थे और एक भी भारतीय को नहीं चुना गया। इसलिए भारत के सभी बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया। फिर 30 अक्टूबर 1928 में लाला जी ने लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया। साइमन गो बैक के नारों से पूरा देश गूंज उठा था। नेहरू, गांधी, जिन्ना वगैरह सारे नेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया था। सही ही किया ना दीदी, हमारे देश का नेतृत्व तो हम लोग ही करेंगे ना, सिर्फ अंग्रेज क्यों? बस यही सोच थी इन सब की भी, लेकिन इतने बड़े प्रदर्शन को देखकर अंग्रेज घबरा गए और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने लोगों पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के आदेश से निहत्ते लोगों पर बड़ी बेरहमी से पुलिस ने लाठी बरसाना चालू किया। वहीं इस भीड़ का नेता होने के कारण लाला जी को कई पुलिस वालों ने घेर कर लाठियों से जोर जोर से पीटना चालू कर दिया। लाला जी को बहुत गहरी चोट पहुंची। लाठियों के वार से चीखते चिल्लाते हुए बोल पड़े, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। अफसोस, 63 साल के लाला जी का शरीर उन लाठियों के वारों से बच न सका और 17 नवंबर 1928 को इन्हीं चोटों की वजह से लाला जी का देहांत हो गया। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? इतने बूढ़े आदमी को इतनी बेरहमी से लाठियों से घेर कर मारा कि उनकी जान ही चली गई। ये था अंग्रेज सरकार का हुकूमत का तरीका कि कोई उनके विरुद्ध जाए तो उसे पीट पीट कर मार ही डालो। ये तो सरकार के रूप में आतंकी हुए आतंकी।
लाला जी की मृत्यु के बारे में सुनकर सारा देश भी आपकी ही तरह उत्तेजित हो उठा था और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व और कई आतंकवादियों ने लाला जी पर जानलेवा लाठीचार्ज का बदला लेने का निर्णय किया। इन देशभक्तों ने अपने प्रिय नेता की हत्या के ठीक एक महीने बाद ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी भी की और दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस के अफसर सैंडर्स को गोली चलाकर मार दिया। परंतु बाद में सैंडर्स की हत्या के मामले में ही राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा भी सुनाई गई। दीदी, ये ब्रिटिश राज्य के बेरहमी के किस्सों को सुनकर तो मेरा खून खौल जाता है। वो तो जब मैं सिर्फ किस्से सुन रहा हूँ, अगर ये सब मेरे सामने हुआ होता तो मैं न जाने क्या करता। देश के लिए अपनी जान तक की परवाह न करने वाले अनमोल व्यक्तियों का जीवन तो इन ब्रिटिशों पर यूं ही व्यर्थ चला गया। हाँ, लेकिन भारत के इतने वीरों की मृत्यु के बाद भी भारतवासियों ने हार नहीं मानी। लाला जी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही 200 साल से चलते आ रहे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्यायी नेतृत्व का सूर्य अस्त हो गया और उनकी भविष्यवाणी एकदम सच निकली। अब भारत अन्याय से मुक्त था, आजाद था। हमारे कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और नेताओं के बलिदान से मिली है हमें ये आजादी, क्योंकि हम तो पैदा ही आजाद भारत में हुए, तो हम लोगों को उन पर बीती का अंदाजा भी नहीं और हमें अपनी आजादी की सही कद्र भी नहीं। भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले महापुरुषों के बारे में हमें बताने के लिए धन्यवाद दीदी। हम भी इसी तरह भारत माता के सच्चे वीर पुत्र बनेंगे। बच्चों, हमेशा अपने देश को सुरक्षित रखना और इसको आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महापुरुषों को याद रखकर उनका सम्मान करना ही हमारा फर्ज है। इनके बलिदानों को व्यर्थ न जाने देना, स्वयं के हित के आगे देश के हित को रखना ही हम सबकी ओर से इन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी दीदी, हम ऐसे ही बनेंगे। बहुत बढ़िया, आज के लिए बस इतना ही। अगली कहानी अगले हफ्ते। धन्यवाद धन्यवाद दीदी। जय मां भारती, वंदे मातरम।